छठ पूर्वांचल के लोगों की आस्था का सबसे बड़ा त्यौहार है, लेकिन इस बार दिल्ली में छठ पूजा नहीं होगी, जिसको लेकर बकायदा डीडीएमए ने आदेश भी जारी किए हैं। कोरोना को लेकर जारी किए गए डीडीएमए के आदेश से जहां दिल्ली में छठ पूजा पर संकट गहरा रहा है, तो वहीं पूर्वांचल से ताल्लुक रखने वालों में आदेश को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ खासा गुस्सा देखा जा रहा है। आरोप है कि केजरीवाल सरकार जानबूझकर पूर्वांचलियों को निशाना बना रही है, क्योंकि जहां डीडीएमए ने छठ पर रोक लगाई है, तो वहीं दूसरे त्योहारों के सार्वजनिक आयोजनों की इजाजत भी दे गई है। एक साल पहले से हम लोग छठ पूजा की तैयारी करते हैं, हम लोग हर तरह से लोगों को सचेत करते हैं, कलाकार बुक करते हैं, पार्क बुक करते हैं, हर तरह की तैयारी करते हैं, और आज आप इस मौके पर आकर के आपने जन्माष्टमी की परमिशन दे दिए, आपने हर त्यौहार की परमिशन दे दिए, केवल एक छठ पूजा से, पूर्वांचली से आपको क्या दुश्मनी है? वो केंद्र सरकार को भी, क्योंकि एलजी साहब केंद्र के प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या दुश्मनी है कि आपने केवल छठ पूजा को रोक दिए? छठ पूजा से और पूर्वांचली से भगवान सूर्य आपके कौन से दुश्मन है? मैं पूछना चाहूँगा सरकार से, आप लोगों के माध्यम से, कि भगवान सूर्य से इनको क्या दुश्मनी है? क्या दिल्ली में सूर्य उदय नहीं होती? क्या दिल्ली में सूर्य अस्त नहीं होती? केवल सूर्य उपासना पे क्यों रोक लगाया जाता है? डीडीएमए के इस आदेश के खिलाफ अब दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों के छठ पूजा आयोजक एकजुट हो रहे हैं। आयोजक न केवल दिल्ली सरकार बल्कि आयोजन की अनुमति न मिलने से केंद्र सरकार से भी खफा नजर आ रहे हैं और इस आदेश के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कह रहे हैं। उनका कहना साफ है कि कुछ भी हो, छठ पूजा होकर रहेगी। देखिए, हम पिछले बार भी कोर्ट में गए थे, पिछले बार भी हमने मुख्यमंत्री आवास पे, एलजी साहब के आवास पे धरना प्रदर्शन किए थे। मीडिया भाइयों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी आवाज़ को पिछले साल भी बखूबी बुलंद स्वरों में उठाए थे सरकार के कानों तक, लेकिन गूंगी और बहरी सरकार एक दूसरे पे छींटाकशी करता रहा। बीजेपी कहता है कि केजरीवाल ऐसा कर रहा है और केजरीवाल जी कहते हैं कि एलजी साहब हमें परमिशन नहीं दे रहे हैं। हर मंत्रियों से, हर नेताओं से समय लिया जा रहा है और हम अपनी बात को रखेंगे और पूरा विश्वास है कि हम हर हालत में इस बार छठ पूजा दिल्ली में करेंगे। छठ पूजा पूर्वांचल का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, ऐसे में केजरीवाल सरकार का ये फैसला पूर्वांचल बेल्ट के लोगों को आम आदमी पार्टी के खिलाफ एकजुट कर सकता है, वो भी ऐसे वक्त पर जब यूपी और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ताल ठोक रही है। कोरोना काल में भी सीएम अरविंद केजरीवाल का यूपी और बिहार वालों के लिए बेतुका बयान सामने आ चुका है। स्पेशल डेस्क, नवदीप टुडे, दिल्ली।